जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोतम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक वंदनीय गुरुदेवकर श्री चरणारविंदरे प्रणाम पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री चरणारे आश्रित समस्त भक्तजन तथा मातृशक्ति समस्तंकु श्रीमद्भागवत महापुराण रे अभिवादन पूर्वक। जो सर्वज्ञ जो सर्वशक्तिमान जो सर्वव्यापक हरि वही सर्वव्यापक परमात्मा भगवान कर जार रूप नहीं से रूप है
जे सर्वरूप से एक रूप रे प्रकटित हो जाए, जे सर्वनाम एक नाम को धारण करे, केते बेले संभव ये? बोले ये तो समस्त भक्त जनों की भक्ति की परिणाम, जे परमात्मा भगवान एक रूप विग्रह को अपने नियंति। परमात्मा केवल जे देवकी, वसुदेव, यशोदाजी अथवा नंद बाबा, कुछ गिने चुने भक्तों के कोई ऐसे गिने चुने भक्तों निमंते, भक्त मानक निमंते परमात्मा अवतार नियंति, ये बुझा पड़ो नहीं अधिक। परमात्मा कर आविर्भाव हवा पूर्व आकाश शुद्धि होची, वायु चलचंचल अथवा शांत शीतलता, अग्नि यज्ञ कुंडर निर्वापित अग्नि पुनः प्रकटित होची, जल अपने आप में शुद्ध होची, धरती सज धज के परमात्मा भगवान को आवाहन करने पाई प्रस्तुत हो, नदियां, समुद्र, बड़े बड़े अनेक तीर्थ अपने आप में प्रस्तुत हो चंती, मेरे ठाकुर जी आवेंगे। जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के कर्ता, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के विधाता, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का स्रष्टा, स्वयं जेते बड़े आविर्भाव होंती तो समस्ते तंकर सेवार प्रस्तुत होंती। परमात्मा भगवान कर आवाहन अथवा आने से पूर्व कदाचित परिकल्पना करने से ये लगता है कि जो कृष्ण संकल्प मात्रेण द्वारका निर्माण करती, संकल्प मात्रेण भक्तजन मानक भितर अंतर्ध्यान हबार सामर्थ्य थाए, जो संकल्प मात्रेण निज आयुध श्रीचक्र सुदर्शन भगवान कर प्रकटित है, संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रचना करिवार सामर्थ्य, संकल्प मात्रेण महाभारत युद्ध भूमि रे, युद्ध भूमि रे दिन को रात्रि करि दवार एवं सूर्य पराग स्थिति उपजेबार सामर्थ्य, जो जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का संकल्प रे सृष्टि करती, ऐसे परमात्मा भगवान को ये कंस पुतना बकासुर अघासुर ये दुई पांच आठ दस गणती अंगुली गणिला भलिया जे सृष्टि संकल्प मात्र विनाश होबार संभावना जो थी, सो सेठी को भली भाव रे कहिबे जे कि देखो परमात्मा भगवान तक मारिले आकु मारिले आकु मारिले, ये मारने की जो प्रक्रिया वो तो संकल्प से ही संभव हो, परमात्मा के संकल्प से ही संभव ये मारना, उत्पत्ति करना, विलय करना, स्थिति करना, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये तीनों के तीनों ईश्वर के संकल्प से, परमात्मा कर संकल्प द्वारा संभव ही पारे। जो संकल्प द्वारा संभव सही परमात्मा भगवान को अवतार नवार आवश्यकता कौन, ये बहुत बड़ी प्रश्न है।
जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को संकल्प से दुष्ट दलन कर सकता है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय। ये संकल्प से, ईश्वर के संकल्प से सृष्टि संभव, विलय संभव, किंतु परमात्मा भगवान को जो गोपीजन माने अपेक्षा कर जानते, जो कुब्जा अपेक्षा करके रही थी, जो यमलार्जुन अपेक्षा करके रही जानते, जो यशोदाजी अपेक्षा करके बसी थी, अनेकों जन्म तपस्या पूर्वक, जो नंद बाबा अपेक्षा करके रही जानते, ब्रजभूमि के एक एक वृक्ष भी किसी न किसी महात्मा महापुरुष की साधना के अंतर्गत से भी अपेक्षा करेगी रही थी। जे जे निर्गुण, जे सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक परमात्मा जितेबेले अल्पस्थ अल्परु एक रूप अरूप परमात्मा, परमात्मा जिते बड़े रूप ग्रहण कर चंती, उसकी ठाणी, उसकी झांकी, उसकी सुंदरता को बोली भाव रहे, सी भी अपेक्षा करके रही थी। एक गुलमटी लताटी भी मध्य लता निकुंज करके अपेक्षा कर चंती, परमात्मा भगवान आसिक कम से कम मत स्पर्श तो कर। एक गो माता भी अपेक्षा करके रही थी जे परमात्मा भगवान शायद मेरे दुग्ध सेवन करेंगे। एक बछड़े भी अपेक्षा करी रही कम से कम मते ठाकुर जी चरेवे, नाम नामित हेबे, हमारी नाम से नामित हो गए ठाकुर जी, आम नाम रे नामित हेबे, पूरा दुनिया तंकु गोविंद रूप से जानिबो। अनेको भक्त अपेक्षा करी रही चंदी जे आम मानक प्रति तंकर जो वात्सल्य भाव, भक्त वत्सलता नाम को साकार करिवे ठाकुर जी, दयालु दीन वत्सल, भक्त वत्सल, पतित पावन। देखो अनेकों भक्तों को परमात्मा भगवान कृष्ण खेल खेल में अपनी कंधे में उठाते, कंधे में उठाते। जो संपूर्ण भक्त समाज, संपूर्ण भक्त जो परमात्मा भगवान कर चरण को प्राप्त करिवा निमंते व्याकुलित, विरह, महाराज व्यग्र, टिके स्पर्श करिवा पाई, दर्शन करिवा पाई, ऐसे परमात्मा भगवान कर कंधरे चढ़ंती भक्त जन। दीन बांधव, दीन बंधो, परमात्मा तो एक एक नाम को साकार करते हैं अवतार। ऐसे विचार किया जाए तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो शब्द एगुड़ा को केवल दृष्टि मात्र, एक समझ के लिए। अदरवाइज यदि अपन देखिए कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा तंकरी अवतार, ये निर्गुण निर्गुण चिल्लाने वाले लोग, सर्वव्यापक सर्वव्यापक बोलने वाले लोग, महाराज भोजन टिके लूण कम हेले कि तेल टिके पख चपाख हेले चिल्लाने वाले लोग सर्वव्यापक की बातें करेंगे। नारायण राम रामायण रामायण रे प्रसंग आसे कागभूषुंडी प्रसंग। कागभूषुंडी महाराज अपने गुरु लोमस ऋषि को कहते गुरुदेव मते अपन सगुण साकार परमात्मा भगवान कर ज्ञान दियंत। बोले सगुण क्या होता है, स्वरूप क्या होता है,
वो तो अरूप, वो सर्वनाम सर्वरूप क्रोधी थे। क्रोधित होने के बावजूद भी उन्होंने कहा, गुरुदेव मत केवल सगुण साकार भक्ति ही आवश्यकता थी। मेरे ठाकुर जी कर रूप विग्रह को मु बस मत सर्वरूप सर्वनाम सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो होंगे होंगे अपना होंगे, लेकिन मोते तो सत्य की ही दरकार बात सगुण साकार भक्ति जयंत ठाकुर एक रूप विशेष को मु चिंतन करीबी मनन करीबी अंतिम अंतिम पर्याय उनको भुगतना पड़ा। ब्राह्मण शरीर बोले तू कौआ हो जा, कौआ काऊ है जा तू, संदेह कर सु गुरु रे वचन रे। नारायण कागभूषण दी हाथ जोड़ दी, प्रभु जी मोते जदि काऊरूप धारण करके भी मध्य से सगुण साकार को भक्ति को मु प्राप्त करी ओ भी स्वीकार है प्रभु जी हे गुरुदेव, लेकिन ये भी संभव है ला, किंतु संभव के बाद आप जरा चिंतन करो। जो लोम ऋषि निर्गुण निराकार कथा कहते सर्वव्यापक सर्वत्र परमात्मा भगवान कर अस्तित्व को बुझुते सर्वरूप परमात्मा भगवान विस्तीर्ण अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सर्वरूप विद्यमान थे, तो तंकर ईश्वर तंकर निर्गुण निराकार परमात्मा कागभूषणी विषय देखिले कि नहीं देखिले। ये क्रोधान्वित क्रोधटा आसला तो कौठ आसला नारायण, जिते बड़े जने व्यक्ति निर्गुण कथा कहुची निर्गुण सर्वव्यापक निर्गुण निराकार कथा कहुची निर्गुण निराकार आज्ञा केवल बुझीबा पाई एक दृष्टि नाम एक समझ, अदरवाइज संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परमात्मा भगवान कर ही आकार, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से करुणा सिंधु भगवान कर ही आकार, ये ग्रह नक्षत्र सूरज चंद्र धरती जल अग्नि वायु महाभूत ये आकार है या निराकार है, ये आकार है कि निराकार है। एक महात्मा है, अभी हम किसी संतों का निंदा नहीं करते लेकिन विचार का आप लोग खुल करके इतने संदेह करीबार कौन सी आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं अरे माता मां मान को चूड़ी पिंधिया कथा नुह, मां मान को एटा पिंधिया कथा नुह, मां मान को ये पिंधिया कथा नुह, एटा पिंधिले सेटा हबो सेटा पिंधिले एगुड़ाक सब आकार से गुड़ाक उपाधि सिंदूर पिंधिया कथा नुह। अरे बाबा ओके यदि पिंधी लेगी ये बड़ी ये सस्ते सस्ते की बातें हैं। अरे सबुठ महाराज जो व्यक्ति कहूँ व्रतटा पिंधिले संभवतः सगुण साकार निर्गुण निराकार उपासन शायद एटा बाधक निर्गुण निराकार बारंबार कहते निर्गुण निराकार एक दृष्टि नाम सृष्टि नाम नुह। आज्ञा जदि जने मार ता व्रतटा ही तार चिंतन रे बाधक है सगुण ए निर्गुण निराकार सिंदूर टे लगे ही कौन कहले ये भी उपाधि है और उपाधि के कारण आमे माने आम ब्रह्म चिंतन रे ये बाधक। जो बाबाजी महाराज कहते सिंदूर टीपटा कौन तर तिलकटा कौन जो नाम नामधारी अमकानंद सरस्वती कि अमकानंद कि शमकानंद स्वामी खड़ानंद गड़ानंद ये क्या है भाई ये सरस्वती नेम इटसेल्फ जो टाइटल वो भी उपाधि की नहीं उपाधि ताकु जानिबा पाई बोली कि अमक नाम तो नामित होचे सेठी से कथा छाड़ दियंतु आज्ञा। लंगोट खंडे हेले भी तो से व्यक्ति पिंधिची शर्ट खंडे भी तो पिंधिची से लोकटा गाड़ी रे भी तो आसुची भोजन टा भी तो मध्य करुची
तो एक अटाची तो पकड़ते हैं, तो उसी अटाची के अंदर कुछ तो होता है। अपनी अपनी नित्य दैनचर्या के साधन तो कोटि कोटि रखते हुए सेटा जदि सेटा उपाधि हो ना। अरे महाराज मोर शंखा सिंदूर टा जदि उपाधि, बाबा जी कर अटाची खंडे भी मध्य उपाधि, और तिलक टा भी मध्य उपाधि, सबसे बड़ा अपने वस्त्र भी उपाधि, सब कुछ बड़ा उपाधि अमन देह खंड का गया। बातें करेंगे निर्गुण निराकार की। क्षमा करिएगा जो लोग ऐसे विचारधारा रे अच्छा, जो धरती रे अपन पाद दौंती वो भी परमात्मा भगवान के गोटे सगुण रूप। जो जलपान करुचंती से जलपान टा जल जल वाटर इत्सेल्फ बोले वो भी अवतार है भगवान के। निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार निर्गुण निराकार एक चिंतन रोटे नाम बुद्धि रे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करिबा पाई। निर्गुण निराकार आंखें खोले तो सगुण साकार, आंखें खोल करके कोई बोल नहीं सकता कि ईश्वर निर्गुण निराकार। ये समझने के लिए होता है व्यवहार पाई नो नारे। धरती छिड़ा है वो भी, और जित छिड़ा है वो भी उसका भी एक साकार रूप है, तभी खड़ा हो सकता है। जी कहूँची मु बोली जी निजे निजे को निर्देशित करुची सबुठ अलग करी राम श्याम दाम गोपाल समस्ते बसी स्वामी अमक। हाँ जी मैं हूं मैं, वेरी गुड। वो क्या है? सेटा गोटे रूप, सेटा गोटे आकार, भितर किसी गुण अच्छी ना नहीं? सौम्यता शांतता या उदंडता जो भी कहो, वो गुण है कि नहीं है? नारायण नारायण। जो परमेश्वर परमात्मा भगवान निर्गुण निराकार रूप से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड समस्त जगतर आत्मा भूत है कि प्रकट अच्छा, वही परमेश्वर परमात्मा भगवान एक रूप विग्रह नियंती। सही परमात्मा कर ही रूप, सही परमात्मा भगवान कर ही नाम। वो अनेक नहीं, अनेक नाम नहीं है, वो एक नाम। एक नाम होने की नाते वो सर्वनाम। थोड़ी सी समझने की नारायण। सही परमात्मा भगवान करा मैं पूजन करूं। और ध्यान दीजिएगा ताकू जदि आपण मूर्ति बोली भाविबे पूजा ही परिवने। जरा सीरियसली सोचिएगा, ये कृष्ण अवतार को सेते बेले बुझिबे जेते बेले ए तथ्यटा को बुझि जिबे आपण, अदरवाइज खाली कहानी सुनिबे बस अधिक किछि होवने। जने व्यक्ति सामनार सम्मुख रे ससम्मुख जदि मूर्ति रखिछि से पूजा करी परिबो नाही, आ जे पूजा करिवो ता पई दुनिया पई भले ओ मूर्ति हो, लेकिन जने भक्त पई से मूर्ति मूर्ति न हो, एक प्रतीक। उपासना करिबा पई उपास्य देवता के पास पहुंचने के लिए ये एक माध्यम हो जाता है। फिर सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वनाम को बुझिबा पाई एक माध्यम है ये विग्रह। ये विग्रह को यदि वही ईश्वर समझेगा तभी पूज्य बना सकता है। यदि भाभी बजे एटा मो पाई गोटे फोटो खंडे अथवा मो पाई गोटे किसी धातु र मिश्रण एक पदार्थ, उसको पूजा नहीं कर सकता। और जो पूजा करीब तापाई से धातु विग्रह नुह, तापाई से चिन्मय शरीर, तापाई से ठाकुर जी भोजन करुची, तापाई से ठाकुर जी देखुची, तापाई से ठाकुर जी सुनुची, तापाई से ठाकुर जी हर एक चीज भक्त के अनुरूप। मूर्ति मूर्तिर अर्थ स्थूल नुह, मूर्तिर अर्थ स्थाणु नुह आज्ञा,
मूर्ति अर्थ भगवान श्री जगन्नाथंकर जो बड़ी भावरे अर्चावतार मूर्तिर अर्थ की ओ हमें जो स्थानु अथवा एकदम क्या निर्जीव पदार्थ समझते हैं वो ऐसा नहीं है। मूर्ति का अर्थ जैसे कि माँ के वात्सल्य मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति जैसे कि यशोदा जी को कहा वात्सल्य मूर्ति, वो वात्सल्य मूर्ति यशोदा जी कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे व्यवहार करती है वो कृष्ण अनुरूप व्यवहार करती है। कृष्ण के चाहत के अनुरूप यशोदा जी बन जाती है। नंद बाबा वो है नहीं लेकिन वात्सल्य मूर्ति नंद कभी घोड़ा बनता है, कभी कृष्ण को पीठ पर चढ़ाता है। वो घोड़े नहीं है लेकिन कृष्ण के चाह के अनुरूप व्यवहार करता है, आचरण करता है। ऐसे ही भक्त के चाह के अनुरूप मूर्ति करुणा सिंधु करुणा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति भक्त की चाह के अनुरूप भोजन करता है, भक्त के चाह के अनुरूप कपड़ा पहनता है, भक्त के चाह के अनुरूप तिलक में सजता है। भक्त कैसे भी कहे भगवान ऐसे ही सजते हैं, ऐसे ही आचरण करते हैं। भक्तों की भक्त की क्या संतुष्टि के लिए, भक्त की संतुष्टि के लिए, भक्त की भक्त को आनंद देने के लिए भक्तानंद विग्रह, भक्त को आनंद देने के लिए परमात्मा भगवान के अवतार होती है। तो सगुण साकार संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, सगुण साकार अमर व्यवहार, सगुण साकार संपूर्ण सृष्टि। अरे भाई वाणी के भी मध्य सगुण है भाई, वाणी भी सगुण है, वाणी का भी आकार है सगुण साकार। निर्गुण निराकार को वाणी के माध्यम से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतिहास प्रसंग परे पड़ी हुए लेकिन पहले हमारे चित्त दशा की मनोदशा की स्थिति को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। दुजन वैष्णव बड़ा सुंदर भाव रे। अब आई बात थोड़ी सी और थोड़ा गंभीर चिंतन करवा निमंते अपन को पाखरे जो बुद्धिजीवी लोग और थोड़ा सा सोचने के लिए मैं आपको क्या ये दे देता हूं कि शरीर का आम मन करो जीवन शरीर खंड कहूँ मथुरा आत्मचिंतन करना चाहते हो ना ये भी देख लो शरीर खंड कहूँ मथुरा राबुलिंतन परमात्मा मो मन जीव मम भाव से युक्त मम भाव से संपन्न ये जीव राबुलिंतन प्रकाशक सर्व प्रकाशक यानी जीव परम इसी ओलट वृक्ष रे खेल खेलुचते ये जीव शाखयोर द्वयो ये दोनों ओलट वृक्ष रे जीव परम द्विटा वास करंती थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कोठी से मथुरा नगरी रे और ये नव नौ नौ द्वार विशिष्ट नवद्वार विशिष्ट मथुरा नगरी रे मथुरा नगरी रे महाराज वो परमात्मा बैठा हुआ अप्रकटित
ଆଉଥରେ କହିଲି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ଏ ଅପ୍ରକଟିତ क्या कहो शून्य ब्रह्म कहो सर्वव्यापक ब्रह्म कहो ओ परम तत्व को प्राप्त करने निमंते साधनार बिंदु भीतर प्रवेश करने पूर्व ए भीतर खोज करने को अच्छी जे वसुदेव किए एवं देवकी किए यथा पिंड तथा ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित ये मन और बुद्धि वसुदेव होचे आम मानकर मन और बुद्धि होचे आम मानकर देव की ये मन बुद्धि दोनों की ब्याह होती है विषय को न जा पाए तो क्षमा करना लेकिन इसको समझना जरूरी है मन और बुद्धि ये दीटा जगह विवाह है विवाह अर्थ कौन विवाह अर्थ हूँ एक हवा युक्त हवा कि जो गणित आम मैंने एक रे एक मिसले दुई हुए ना वन प्लस वन इज इक्वल टू लेकिन एठी टिके बिचा अलग नियारा कौन बोले अध्यात्म मार्ग हिसाब थोड़ी सी नियारा अलग वन प्लस वन इज इक्वल टू वन नदी समुद्र के साथ एकाकार हो जाने की बात समुद्र ही अवशेष है एक एक है जाए दो ही नहीं संबंध से भी संबंध से जीव अथवा भक्त भगवान का संग्रह एकाकार ही चलना पड़े ईश्वर मय बस अत्र तत्र यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः बस दर्शन एकता एक रे मिसिले एक ही है जाए एकाकार ही जाए एटी दुई ना हमती दुई संख्या नहीं है ये दुई संख्या खोज करू करू केते बेले एकाकार ही जाई थी तो मन बुद्धि मन की चाह अलग मन अनेको इच्छा ये मन बुद्धि के बीच में सदैव झगड़ा झगड़ा लगी रहती है किंतु किसी भी पदार्थ किसी भी वस्तु को प्राप्त करने पाई कुछ भी कर्म करने से पहले ये दोनों एक होना जरूरी है मन और बुद्धि बुद्धि जो निश्चय करा मन उसी को विनियोग करेगा कहा द्वारा ये मन सुपरवाइजर है तार पाखे तार दसटा अच्छा नौकर इंद्रियों को लगा करके मन बुद्धि की अनुरूप हो जाए जो दिन बुद्धि जो निर्णय करे मन मान जाए समझ लेना कि आम मन कर जीवन रे क्रांति आ गई जो दिन मन आपन को हैरान करिव नहीं आ गया जो दिन बुद्धि जो निर्णय ये यही मेरी डिसीजन यही मेरे निर्णय और निर्णय के अनुरूप समस्त मनोबुद्ध मन अथवा इंद्रिया अंतकरण बहिकरण टोटल ऑर्गन हमारे सिस्टम उसी के अनुरूप हो जाए मुझे जप करनी है मुझे यज्ञ करना है मुझे वहां जाना है मुझे ये करनी है अध्ययन करना है का मतलब करना है बस दर्शन निर्णय को जो मन यदि हमें मन नहीं पारु नहीं वो रुग्ण मानसिकता हम मान कर वो हमारी पुरुषार्थ नहीं वो ब्याह हुई नहीं अध्यात्म जीवन में देखा जाए तो और जो दिन ब्याह हो ये समस्त देवता माने प्रकंपित हे से दिन आकाशवाणी हम से दिन ब्याह के करुचि बोले अहंकार करुचि मु भक्त टी हेबी आज पर्यंत मु एया हेचि से या हेबी और जे हबा पाई चाहिबो तार ही निर्विज हबो से सर ए भक्त अभिमान कथा में कहू छन ना गया प्रथमे मु जने भक्त बोले भी अभिमान होय वो भी जरूरी है वो भी जरूरी है दुनिया का कोई अहंकार करे दुनिया में मैं इतना बड़ा आदमी हूं
मैं ये फलाना हूँ, मुँह ये मुँह अमक मुँह समक अमक, इतने अधिकार इतने उपाधि इतने 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 नारायण। जैसे कि संस्था में लोग आते हैं, पहले तो भक्त बन करके आते हैं, फिर भक्तों को कोई पद पद भी दे दो, वो 6 मास वर्ष पर भाभी नहीं अपन कालीठू आओ आओ जन प्रेस। हाँ देखो आए थे क्यों, कर क्या रहे हैं, वो आए थे तो भक्त बन करके, लेकिन व्यवस्था के दृष्टि से गोटे पद रे बसे दियंतु का को, और पद को तापर दिन छाड़ीबा पई कहत महाराज पैर तले जमीन निकल न जाए। लेकिन हाँ मु भगवान कर भक्त बोली स्वाभिमान इतने सुदृढ़ हो जाए तो फिर ये पद पद भी जो है ना न्यून हो जाए। लेकिन पद पद कदाचित जैसे बड़े सुदृढ़ हो जाए, हरे कृष्ण सुदृढ़ हो जाए, मुझे ना भक्त और स्वाभिमान धीरे धीरे कोठी ना कोठी नष्ट होगा कहीं लगे। सुमंत्र हरे कृष्ण, बड़ी सुंदर ये मनोविज्ञान है ये, और जितने ईमानदार पूर्वक हमें विचार करना, जितने जल्दी सावधान हो जाए तो इतना जल्दी अच्छा है साधक मानव पाए। तो शरीर खंड कहूची मथुरा, ये मथुरा रे बंदी दी जन मन और बुद्धि, ए माने दुटे जक कहार कहार अनुसार कार्य करूछंती, बोले कंस जो चाहे सो, कंस होचे हम मन कर जीवन अहंकार राक्षस वृत्ति से युक्त। हरे कृष्ण, ओ मन बुद्धि दुटे जक बांधीची गंध, ये नौ द्वार विशिष्ट कोला कोठरी अंधार कोठरी भीतर जेल के अंदर, ए भीतर से दुटा बाहरी परुनांती, ये मनटा इंद्रिय मान कबल पाई पारुनि आग को जाई पारुनि, बस इसी में पड़ा हुआ है। सबेरे उठा तो बस ये इंद्रिय तृप्त रे, से इंद्रिय तृप्त रे, से इंद्रिय तृप्त रे, ये गोटे इंद्रिय रु आ गोटे इंद्रिय, आ गोटे इंद्रिय रु आ गोटे इंद्रिय, बस बुद्धि रे निर्णय ले अलग किसी, बुद्धि रे निर्णय करे भाई जो दुनिया रे तू पड़ी छु भाई, ये मन ये तो अल्प है, कोई विशालता की खोज होनी चाहिए, जो नित्य सुख खोज हवा दरकार, जो नित्य आनंद खोज हवा दरकार, क्योंकि हमारे जो मन वो बेचारा पड़ा हुआ है उसी में। सुख तक्रियते रामा भोग, आगे कुछ सुस्ता नहीं है, किसी बुझा पड़ू नहीं आगे को, बस सामने भोग पड़ी, और यही भोग जो भोग केवे तृप्त हुए ना इंद्रिया, कभी भी है वैराग, कभी है अनुराग, जहां बदलते हैं माली वही है मेरा भाग। देखो मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सो अहंकार रूपी कंसर बंदी घरे मन बुद्धि वसुदेव देव की दीटा बंदी, किंतु ध्यान दीजिएगा उनकी साधना तो देखिए, वसुदेव देवकिंग का कितने धैर्य, कितने धैर्य जे, एक नहीं दो नहीं छ छटा गर्भ विनाश हो जे। आम मान को भी मध्य अध्यात्म जीवन रे भितरे कृष्ण प्रकटित करिबा पूर्व 6 गर्भ को विनष्ट करिबा पड़िबो, तभी कृष्ण कर आगमन संभव, अन्यथा नहीं। ये 6 गर्भ कौन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 के 6 चीज, 6 के 6 गर्भ
भी नष्ट करवाक पड़ो। सप्तम गर्भरे सप्तम गर्भरे विश्वास की प्रकटित हवापाई चाहते, किंतु विश्वास को एक आधार की आवश्यकता है। विश्वास प्रकटित अपने आप में नहीं, विश्वास प्रकटित हव एक आस्था को एक आश्रय आवश्यकता। इसलिए देवकी गर्भरु विश्वास प्रकटित होते होते अप्रकटित हो जाने कोठी रोहिणी मां का गर्भ है, ताको एक भक्ति भूमि आवश्यकता अच्छी विश्वास को। वो भक्ति भूमि कोठी, वो प्रेम भूमि कोठी, वो वात्सल्य भूमि कोठी, वो गोकुल, गोकुल नगरी है वात्सल्य भूमि। विश्वास को वहां भेजा जाता है जोटी अहंकार र दुर्गंध सेठी विश्वास रूपी बलराम कर प्रकटित हो। ये छ गर्भ र विनाश परे सप्तम गर्भ प्रकटित अप्रकटित होती और कृष्ण को अपेक्षा कर। कृष्ण के बिना विश्वास करी विश्वास र भूमिका कौन? अष्टम गर्भ रे कृष्ण भगवान प्रकटित होती ज्ञान रूपी अथवा अप्रकट ब्रह्म प्रकटित हवार मात्रेण स्पर्श मात्रेण फिटिला पादर सिंकोड़ी पाद रथ गोटे द बेस ऑफ लाइफ पाद जो हमें स्थापित ढाई चाहते पाद कोठी अच्छा। हाँ हमें जन के पचारे महाराज मेरे ऊपर उसने कचड़ा डाल दिया, मुंह पर कचड़ा फिंगी देती से। बोले महाराज आपने सी कहीं कचड़ा? हाँ आज्ञा मुंह पर कचड़ा फिंगी थी। कोठी छिड़ाई थी कि आपड़ बोले डस्टबिन पाखरे। हरी 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 ऐसी जगह बैठो कोई ना बोले उठ, ऐसी वाणी बोलो कोई ना बोले झूठ, एवं ये कृष्ण को भगवान कृष्ण अप्रकट ब्रह्म प्रकटित परवर उसी परम ब्रह्म परमात्मा उसी अनुभव को अथवा वो परमात्मा सत्ता को नहीं की गला बड़े एक कर्म आचे कर्म नदी। मैं अपन को चिंतन करने पर केवल आंगेल दूची बुद्धि थोड़ी आश्रय दूची। कोई समझदार व्यक्ति हो तो उसी और अपनी रिसर्च को आगे ले जा सकता है। एक नदी पार हवा के पड़ी आ गया। ये प्रेम नगरी को बात्सल्य नगरी को जीवा पाई हले एक कर्म की महान घोर गर्जना काला कर्म नदी जो जमुना नदी, जमुना नदी को पार हवा को पड़ी। ये जमुना जी किए रे बाबा? हरे कृष्ण, ये सूर्य पुत्री जमुना भाईटा हूँ जम। भाईटार काम है समस्त कर्म को जी हिसाब करे जम। आमे मैंने और ध्यान देना उसकी अध्यात्म अर्थ बड़ा सुंदर है, कोई समझना चाहे तो समझ। ये इमराज कर गोटे बाहन अच्छी से बाहनटा हूँ मईसी। महिष भैंस का चाल जो है बड़ी अद्भुत धीरे 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 आम मान को लगुच स्वामी जी आम कौन कहले से ईश्वर पाखे विश्वास करवा जदि तुरंत कौन सी व्यक्ति कर्म कला और कर्म के अनुरूप सांगे सांगे फल लाभ हो गला सांगे सांगे गोटे फल मिलीगला जानवि जो ईश्वर अच्छा कहीं पर टे लेट्रे कौन ईश्वर ना एबे मु किछ भोजन कली कोई क्या कोई पुष्टि वाला भोजन तुरंत बल पैदा हो जाए। हरे कृष्ण गोटे काम करना आज्ञा कौन आम मान भितर भी अनेक तथ्य अच्छे जमी जिहवा भी अच्छी। हाँ दांत भी अच्छी आज्ञा दांत भी अच्छे जड़े परमात्मा को जाकि शिकायत कला परमात्मा तुरंत कर्म कला तो तुरंत फलटा दे दिखा तो आप तार मु जानी तू अच्छु
बोले बेटा तुझसे शुरुआत करो, तुम स्वयं खुद में केमती केते थर भोजन करला बेळको आपण जिह्वा कु आपण दंड न दे छथि, केते थर ये दांत कामुडी छि आपण कर जीव को, हो आज्ञा केते बेळ केते रक्त बोइ छि आज्ञा, तापर आपण कोन कर छथि आपण कर दांतटा कामुडी देला का जीव को, तो जीभ जेमिति तार रक्त जीभ को जेमिति दांतटा रक्त बाहर कर दैछि, तो दंत को मारे के भी सेमिति रक्त बाहर कर दियंतु ना आपण, समान दंड सहित सबुठी लागिबो करिया, जदि ए हातरे काटु काटु छुरी रे ए बाम अथवा डाहन अंगुठे कटु कटु बामर अंगुठे कोई काटी हे गला, तो ए हातरे से छुरी को धरके आ हात को काटि दियंतु काटि दियंतु, तब तो हम समझे ईश्वरंकर पाखरे जो गुण दोष आपण देखुछन्ति ताकि कम से कम समझ में आ जाए। हरे कृष्ण, तुरंत कर्म हेला माने तुरंत फलटा मिलिबो, तुम जानिबे जे ईश्वर अछन, काई आपण आरंभ करना नहीं नहीं दुनिया रे हवा कथा आ तू पाखरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, तो जमर बाहाना होची मैंसी माने कहानी कहानी भीतर पड़ुचंदी आज्ञा, से भीतर तथ्य बुझीबा पई बेळ कोठी आम मानकु मैंसी अर्थ धीरे धीरे बचपन बीता खेल खेल में भारी जवानी सोया देख बुढ़ापा सोच अब तू क्या पाया क्या खोया, धीरे 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 सो जमराज सदैव कर्म को चिंतन कर, एवं जमर भौणी जमुना को काला है, मन ही मन विचार करुची ए कृष्ण कृष्ण भगवान को पार हेला बेले पार कला बेले ठाकुर जी मोर स्वरूप होची कला, जमर स्वरूप टा भी मध्य कला, से किंतु बुझे नहीं जाने नहीं। जैसे कर्म ऐसा फल, दया नहीं कोई बात चल गया नहीं, बस शायद मोर जलटा कला बोली मते लोक, हरे कृष्ण आज भगवान कृष्ण को बोले कि अरे देखो मैं काला हूं तो क्या हुआ, आज कला हृदय भीतर कृष्ण को मु अवधारण कर, इसलिए मोर सौभाग्य तो देखो मोर कला चरित्र को आज क्या सौभाग्य प्रदान करने वाले मेरे ठाकुर जी, सौभाग्य प्रदान करने वाले, यश वर्धन करने वाले मेरे ठाकुर जी, यश देने वाले ठाकुर जी, महिमा संवर्धन करने वाले ठाकुर जी, ये जमुना हूँ आम मान जीवन कर्म नदी का, बिना कर्म नदी पार नहीं कि जने भक्ति नदी भीतर प्रवेश करी पारी बनाई, ये कर्म नदी का अर्थ कौन बोले कर्म आरंभ है कौटू शेषटा तो आम जान, किंतु आरंभ बिंदु संगरे जुक्त ही चंदी नित्य निरंतर वासनार गर्भरु अनेक कामना मानंकर प्रकटित हला, फिर से भीतर संकल्प कले आमे यस एही कर्म करिबा, कर्म के अनुरूप पुनि हमको फल मिलिला, फल के अनुरूप पुनि दुईटा गोटे सुख आउ दुख, सुख दुख को अनुसरण करता हुआ दुख को प्रतिवाद करता हुआ सुख को निमंत्रण करता हुआ जीवन उसी संघर्ष में चलता रहा, व्यक्ति रे जीवन रे दीटा फल फलौचे नित्य निरंतर परिस्थिति के अनुरूप दुईटा जिनस मन को मिले, गोटे सुख आ गोटे दुख प्रतीक नारायण, और ओ जो सुख दुख सुखटा को तो निमंत्रण करू, सुखटा को तो अभिवादन करू, सुखटा को तो स्वागत करु, किंतु दुख आसीबा मात्र ताकु एकदम भगे, यही तो ए संघर्ष मन कर,
ऐसे संघर्ष करते 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 जिंदगी जीवन, किंतु जो दिन ये कर्म को आधार बना करके, कर्म को आधारित करके आम मैंने जिते बड़े निजर सुख दुख परिभाषा करू परिभाषित करू निजे निज को एवं आम मन को कोठी ना कोठी लगे ये निश्चित भाव से कुछ छोटे हैं अल्प हैं और आम मन को जो आवश्यकता अच्छे बहुत, तो अनंत सुख को पाइबा पाई ये शायद कर्म छोटा है, तो कर्म को पार करिया पड़ी कर्म और प्रवाह रे जदि रहिबे ना नहीं ए फल पाई ए कर्म ए फल जिंदगी भर वैसे करते रहो। इसलिए जो कर्म आम मन कर सामर्थ्य के अनुरूप हो वो कर्म को समर्पण कर सीखा। वसुदेव जी महाराज अपने कृष्ण के साथ अपने आप को सौंप दिया, पता है कि मैं डूबने वाला नहीं हूं, कर्म नदी भीतर क्यों माने बुड़ंती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारायण, वो कर्म जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, ये नदी भीतर से पार ही परिवाज्ञा जे दार कर्मटा परमात्मा भगवान को प्रति पूर्ण उत्सर्ग कर फुल सरेंडर टू हिम। पूर्ण का मतलब पूर्ण यत किंचित नास्ति है, नारायण पूरी मात्रा पूर्ण मात्रा रे जे परमात्मा, बस मैं तेरा हूं ठाकुर जी, तोर मैं तेरा हूं ठाकुर जी बोलेंगे आज से तुत्तरा तुत्तरा प्रभु जी ये सब मेरे ये गुड़ा मोर सब मोर भगवान कहे मोर मोर पुनि जन्म हो जन्म मोर 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 का अर्थ यही है कि आउथर पुनः जन्म। नारायण, कर्म नदी जमुना नदी बिना पार किए गोकुल नगरी संभव न। नारायण, तो कंस बिजुली कन्या को नहीं की मिलिला देव की निकट पड़िला तक्षण कवाट बहिरंत पुर द्वार सर्वा पूर्व बदावृता ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थित। सुनी प्रहरी बेगे गले कंस छामुरे जनाइले। महाराज गजब हो गया क्या, अष्टम गर्भ बोली जहा जो अपना नित्य निरंतर व्यतिव्यस्त अथवा जहाँ को संभालिबा पाई सतत चेष्टा रहा वो गर्भ प्रकटित हो गया महाराज। तुरंत भोजराज कंस पता नहीं सोया था कि रोया था, मोर अष्टम गर्भ मोर मृत्यु र समय आसीबो मोर मरण र समय आसीबो मोर मरण र समय आसीबो मरण र समय आसीबो आसीबो कहि कि महाराज ओ एकदम घड़ी घड़ी चमकुथला कि शायद आ गया क्या। दौड़ पड़ा पिंधिला वस्त्र संभाल फिटिला दृढ़ बंध बाल सतल पान तृणमुत्थाय कालो यमिति विह्वलः श्रुति गृहमगात् तूर्णं प्रस्खलन मुक्तमूर्धज। फिटिला पिंधिला वस्त्र संभाल परिवार अर्थ मुकुट कोठी उत्तरी कोठी उपवस्त्र कोठी दौड़ पड़ा मात्र और से पाकृतमाहं भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती सृषेयं तव कल्याण त्रियमाहंत वरसि। आज देवकी कुछ अरे मेरे हित ऐसी मेरे हित तो चाहूं थी भाई मोर कंस, अरे इटा कन्या आज पर्यंत मोर छटा तेजस्वी बालक को तुम्हें कीर्तिमान समंदत सहित छटा पुत्र को शिलारे पेटी की मारे भाई कम से कम एटा तो छोट एटा कन्या का है एटा कन्या है बोले कुछ भी हो सकता है।
कहीं जानती अरे देवकी तू जानू चाहे न जानू मु तो जानी तू कहीं जानू हरि माया असुरे बड़ से निर्दया नाना रूप रे हो जात असुर करईनी पात स्त्री मूर्ति धरी चंडी अनेक दैत्य शिर खंडी। अरे से नारायण से हरि महाराज त्रिमूर्ति भी नहीं पारे कई बार अर्थ बुझी ना इसलिए सब पुरुष प्रकृति दो अलग नहीं है। मिठास कहार ये मिश्री और मिश्री रो मिठास ये दुईटा जो अलग नुह बुझीवा भले आम अलग कर दो मिश्री भितर मिठास टा को अलग कर देले मिश्री मिश्रित तो जमती रहिबो नै ठीक से बोली भाव रे पुरुष ठारु तार शक्ति को जदि अलग कर के बुझीवा पई चाहिबे ना ना ये शक्ति पास अरे भाई एक ही है जबकि ये ज्ञान कंस को दिए थे। त्रिमूर्ति धरी चंडी अरे भाई भस्मासुर को मारला बेले यही कृष्ण यही नारायण यही हरि वो देवी रूप बन गई थी। देवता मानक अथवा देवता दानव मानक समुद्र मंथन बेलरे यही मोहिनी अवतार रूप धारण पूर्वक नारायण पूरी समस्त दैत्यों को चकमा दे दिया मरवा दिया था देवों का देवता मानक द्वारा यही हरि कच्छप अवतार नौ यही हरि ये कह चुकी आ गया कंस वचन ही है इसलिए कंस भी कोई मूर्ख आदमी थोड़ी है। मैंने कभी कभी कंस मूर्खता रे हंस लग गया मन को लेकिन वो भी वो हिम्मत वो अधिकार हमारे पास भी नहीं है। कंस भीतर जो जो बल जो समझ लेकिन प्रयोगता अलग जगह हो ये गलत है अदरवाइज तार शक्ति सामर्थ्य हुआ में अपन से प्रति हसीबे जो ताठ जदि अधिक शक्ति सामर्थ्य अपन के पाखे थी हस से लगे व्यंग आम से जो थोड़ी सी कमी लगे नारायण स्त्री मूर्ति धरी चंडी अरे दुर्गा रूप तो महिषासुर को भी भगवान मारते अनेक दैत्य शिर खंडी ए देवकी तू जानी ना रे जोटा की मु जानी थी नारायण ये कन्या ऐसे बोलते बोलते सुखदेव जी कहो उपगृह आत्मजाम एवं रुदत्यादीन दीनवत दीन दीनवत याति तस्त्वाम निर्भस्य हस्तादा चिच्छेद खल ताम गृहित्वा चरणयोर जात मात्राम ससुसुताम मिनी चरण धरी करे भूलाई पिटिला शिणारे कंसर हस्त रु छुड़े आकाशे जैसने बिजुणी तेजे दश दिग विराजे बेनी चरण अष्ट भुजे। आप कहे स्वामी जी अष्टभुज कौन कौन आप भागवत देखुना दिव्य स्रग्बंबरा लेप रत्ना भरण भूषिता धनुशूले सुचर्मा श्री शंख चक्र गदाधर बोले दिव्य माला वस्त्र बोले हाथ रे आठ आयुध अष्ट आयुध कण कण धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा। हालांकि महाराज अष्ट आयुध भितरे कमल को लगा जाएंगे क्योंकि जगदम्बा माता भी गुस्से में है इसलिए फूल पुष्प नहीं पकड़ी। शंख चक्र गदा एवं भाव आठ आयुध युक्त सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर स्तुति करुचंती और समस्त अप्सरागण गंधर्वगण
क्या हम लोग पाठ कर सकते हैं जगदम्बा माता महिषासुर की। ऐ गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदी कृते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी देशनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल्य सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल्य सुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्लुष मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दिति सुतरोषिणी दुर्मुद सोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंदिनी कैटभ भंदिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सिद्ध चारण गंधर्वैः अप्सरा किन्नरोरगैः उपारुतरुबलिभिस्तूयमानेदमब्रवीत् स्तुति करुचन्ति सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नरौ नागगण नारद नाना प्रकार की भेद सामग्री समर्पित पूर्वक स्तुति करुचन्ति एवं वही मैया जगदम्बा राजराजेश्वरी माता शक्ति दुर्गा देवी सो किं मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र का बा पूर्व शत्रु और माहिंसी कृपणाम दुर्था ये पूर्व शत्रुता को मने पके की मो संग्र शत्रुता कले लाभ कोनो तोते मारी लाभ ला गुप्परे बड़ी लानी रे बाबा नारायण तुरंत हो गया समस्त समस्त पुरुषार्थ शांत हो गई। आठ वर्षों से एवली प्रमाण की प्रत्येक वर्ष गोटी पुत्र प्रत्येक वर्ष गोटी पुत्र आठ वर्षों की जो तपस्या कंसर निरर्थक हो गया। नारायण हिंसी कृपणान वृथा हमें कह को हिंसा करू कह मंद आचरण करू लेकिन वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। बस इति प्रभास्यतम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम अनिकेतेषु बहुनाम बभूवः बोले सो जगदम्बा एवली भावरे कंस को कहिकि भगवती योग माया सेठ अंतर ध्यान हे गले पृथ्वी रे अनेक स्थान रे विभिन्न नाम रे प्रसिद्ध है। एक कथा देवींकर एक कथा सुनिकि मने 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 अरे प्यारी भौनी देखो कि प्रेम वर्तमान एपर्यंत निर्दयता एपर्यंत हिंस्र स्थिति लेकिन तुरंत जो भली भाव समस्त चेष्टा जिते बड़े निरर्थक हो जाए व्यक्ति अपने आप भक्त हो जाता है। किसी कोठी न मिलले समस्त कर्म जिते बड़े वृथा हो जाए समस्त चेष्टा जिते बड़े निष्फल हो जाए बस ये कौन कहले भय न भक्ति बाला कहानी ये तत्क्षणात एबे सिना मुंड झुकुची जितने बड़े नास्तिक हेले भी मध्य कोविड जो अभी अभी आया कोविड बड़े अच्छे से अच्छे लोग भगत हो गया बस अब किसी चारा नहीं जेमिति पुणी धीरे 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 ये सब खोलिला इंद्रियर सुखी जाइथिबा इंद्रिय सुखी जाइथिबा मानसिकता पुणी धीरे धीरे पल्लवित है कि अंकुरोद्गम है कि पुणी से ठाकुर जी को भूल गया नारायण नारायण ये है कौन सा वृत्ति।
अरे हमारे प्यारे श्री देव की मुंह तो ब्रह्मघाती के समान जीवित हैला परे भी मध्य मुर्दार करे केवल मनुष्य ही मिथ्या कहनी ये देवता माने भी मध्य आजकल मिथ्या कहले देखुनु अष्टम गर्भ रे अरे भाई पुत्र जात हब कि कौन हिथिबो जणा ये अष्टम गर्भ रे जे जात हब हो सके तो अष्टम गर्भ रे तोर जो पुत्र जात हब से पुत्र ही तोर विनाश र कारण हब देखिए कन्या आजकल देवता माने भी मध्य मिथ्या कहले रे देवकी देखो सतरे तोर गोटे नहीं ये छ छा पुत्र को मु मारे दी केड़े बड़ पापी मु स्वीकारोक्ति देखो यद्य श्रम्भाद हम पाप ससुर निहत बांछे सुन मां सोचतम महाभागा आत्मदान सुकृत भुज जंतवो न सदैकत्र दैवाधीना तदासने तदासते अरे सतरे तुम्हें दुई जन जाकर बड़े महात्मा देवकी और वसुदेव किंतु जहां हेले भी मध्य निजर कर्मर फल तो मिल कर्मर फल मिलवा ईश्वर मत जुटे तोर पुत्र को मारे मु कौन कर अच्छा वक्ता है देखो जो बोली भाव में मिट्टी माटी द्वारा निर्माण होता पदार्थ गुड़ाक पुणी धीरे 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 बिगड़ते बिगड़ते पुणी जिते बड़े भांगी जाए से पुनः माटी भितर बिलीन ही जाती ठीक से बोली भाव ये निर्माण हवा अथवा बिगड़ा ये तो संसार धर्म किंतु आत्मा उपर तार कौन सी प्रभाव नहीं देव कि ये कौच कि आज्ञा ये कौन से कौच से कहा जाए कि ज्ञानटा जानवर बहुत भल किंतु ज्ञानटा केवल अन्य को कहवाई जदि ज्ञान आहरण कर जड़े लोक पढ़ुचे कौथिपाई बोले पढ़ेवाई निज जीवन सिद्धांत अरे नहीं नहीं मु मो पाई थोड़ी कहूँ मु तो आपण मान कौन गड़बड़ ये कौन सा वृत्ति जी ज्ञान को केवल अन्य को कहवाई धरिक बस निजे कौन से प्रकार आचरण उच्चारण ना उच्चारण अच्छे कि आचरण ना वो कौन सा है कितना सुंदर भाव कह देह बहिले निश्चे मरी भुंजई से फल आबोरी मु मारिबा लोक अथवा मु मरीजी कि मारिब क्या मारिबि बोले महाराज एभली अभिमान करूथिबा जो अज्ञानी बाध्य एवं बाधक भाव को प्राप्त हुए अर्थात बोले सी निश्चित भाव सदा सर्वदा सुखी दुखी हो था किंतु इसलिए क्षमध्वम मम दौरात्मीयम साधवो दीनवत्सला ये देवकी को देखो हे दीनवत्सला ए पर्यंत तू दीनवत्सला बाबा हो नथिर काई की कंस हे दीनवत्सला क्या क्षमध्वम मम दौरात्मीयम मोर जो दौरात्मी को तुम्हें क्षमा कर दिए ये भाई विचार करके देवकी वसुदेव को अंधार कोठरी रु सब दिन पाई जेल रु मुक्त कर देला एवं सेमाने भी मध्या को क्षमा कर देले तो हे मनस्वी अथवा ए पाखरे सुखदेव जी कहते अरे सुनो भेद दृष्टि हेला परे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह स्वाभाविक भाव आम मान भीतर प्रति प्रकट हुए ये दृष्टि हूँ अज्ञान दृष्टि आम मान नारायण सुखदेव जी कहती एभली ए पाखरे ज्ञान सुंदर भाव ज्ञान देखी से पाखरे समस्त चाणु मस्तिक समस्त को डाकिला देखो ये गोकुल रे गोकुल तीन मास रेते तो पूरा काल ये तीन मास रही टार्गेट ने महाराज तीन मास रही जिते छुआ जन्म होती यहाँ पे तो चाहे दस दिन का हो दस दिन से अधिक हो बोले ये समस्त को मारे दिए अनिर्दशा निर्दस्यार्थ हनिष्या मोद्य में शिशु ये बड़ी आज्ञा देले तो आज्ञा को चरितार्थ किए कर बोले पुतना कहला कि मुँह करी लगी जीबू के बोले चतुर्दशी तिथि चतुर आलोचना है प्लानिंग
बोले नवमी तिथि ए पाखे सुखदेव जी दृष्टि जाऊँगी कि गोकुल रे गोकुल रे नवमी तिथि कौन अच्छी नंद उत्सव। तो कल हम नंद उत्सव का प्रसंग आगे की प्रसंग पाठ करेंगे। आज इतना अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम समस्त लोग। जय जगन्नाथ। एवं आम भागवत तुंगे प्रवेश करवा आज पारायण करे श्रीयुक्त सुरेश चंद्र साहू बाबू। सुरेश बाबू अनम्यूट हूँ। दशम स्कंदर पंचम अध्याय मानते संत जगन्नाथ दास कृत भागवत पंचम अध्याय करेंगे। जय जगन्नाथ। समस्त प्रणाम। स्वामीजी को प्रणाम एवं समस्त सुधी वृंद को प्रणाम। पंचम अध्याय। पंचमे चंडी का वचन सुनी न कंस मन छन्न दुष्ट मंत्री बोल शुणी बालक बध हित मणी शुणी सानंद मन राय पड़ई सुख मुनि पाए आनंदे लोटई धरणी कृतार्थ कृष्ण जन्म शुणी भक्ति देखिन तहार कहती व्यासंक कुमार श्री सुकवाच शुण परीक्ष दंड धारी कुमारी बाल राव करी शुणी प्रहरी गोल कले कंस छामुरे जनाइले शुणी असुर महाबल बोलई पुरी लाम काल शयन स्थानु बेगे उठी खड़ग कला दृढ़ मुष्टि धाइला पवन मुखरे बेगे मिलिला बंदी घरे पिंधिला वस्त्र संभाल फिटिला दृढ़ बंध बाल कवाट फेड़ी न पशिला देखि देव कि भय कला कंस कंपई कोप भरे रत्न मुकुट कंपेशीरे देखिण कंपई देव कि कांदई अति दुखे दुखी बोलई सुन नरनाथ होइला दुही ताए जात तोर पुत्र को एहा देवी आनंदे विवाह कराइबी बहुत देलु पुत्र कष्ट पड़ु निर्लज मोर पेट जीवन अधिक हेउ मोर मरिबि हत्या तो को मुक्त उपर आउ बयस मोर काही पारिबि पुत्र उपजाई जीवन हेउ मोर अधिक दुहिता दान दे रख संखाड़ी हेउ वृद्ध काले पड़ुची तोर पाद तले शुणी दानव महाबली ओपे कंपई पर जोड़ी देखिण चकित देव कि भय बुझिला बेनी आखि कोलरे लुचाई दुहिता शरण गली रख भ्राता कंस बोलई ता शुणी उच्छार मोहर बहिणी वसुदेवर दोष नाही तू मते अछु बाट चाहे मोर मरणे तोर सुख दैव दे अछि दुख तू काहू जानु हरि माया तू काही जानु हरि माया असुरे बड़ से निर्दया नाना रूपरे होई जात असुर करई निपात नारद कहिछंती मोते ए मोते मारी बजू कते
अष्टम गर्भमु वैरी यहार हस्ते मुहि मरी चाहिला अधर कामुड़ी कोलरु आनिला उछुड़ी बेनी चरण धरी करे बुलाई पिटिला सिरारे जे देवी जगत संहारे कहार बल ताकुमारे कंस हस्तरु बले चढ़ी गगने जेस ने बिजुड़ी तेजे दस दिश विराजे बेनी चरण अष्ट भुजे के कहू देवी आवरण अंगद नुपुर कंकण गंध चंदन पुष्प मारी तेतीस कोटी देवे मुनि स्तुति करंती सुर मुनि कंसंकु कहंती भवानी रे कंस सुनमो उत्तर तोर वैरी चक्रधर से तोते करिवे संहार आवर जेते कसुर तोहर पाई देह बही जात होइले जही तही तू मते न जानी कचारु नियत पथ किंपा हुडु देवे जे तोहर बैरी तहांक बोल पुतु डरी छ पुत्र माइलु एहार धर्म को छाड़िलु असुर यहाँ को बंदी भरु छार बेनी चरण तले पड़ तोषिण निय निज पुर तोर बैरी पीताम्बर देवी चलिले निज स्थान उच्चाट करी कंस मन जगते होइले विख्यात जा कही थिले जगन्नाथ देवी वचन कंस सुनी विचार कला मने गुणी न जानी विधातार गति सोदरे कलई अनीति अनेक कलई मु दोष केमंते होइब विश्वास किस करी मोली भावी चरण फेड़ाई सांकुड़ी चाहिला देवकी बदन बोलई मधुर वचन देवकी वसुदेव सुण तुम्भरे कलि द्रोह पुण मुहिजे स्वभाव असुर भण जा माइली मोहर तुम्हु देली पुत्र कष्ट मोहर धर्म कलि नष्ट संसारे कलि अपजस नरके होई प्रवेश देह बहिले निश्चय मरी संसार नुहई काहारी वृक्षर तले जेने आसी पथुकी विश्रामती बसी पुणी चलती श्रम सारी से वृक्ष नुहई काहारी तेमंत माया ये संसार के पिता के पुत्र काहार अर्जिला कर्मे आत जात माया भियान तात मात बुद्धि विचारे जहा करी भुंजई से फल आवोरी दोष करीब मोर क्षमा स्वभावे मुहि दुरात्मा हेमंत कही शोक भरी पादे पड़िला कर जोड़ी सुहृद पण देखाइला अनेक धन रत्न देला निज मंदिरे देला वास अनेक कराई विश्वास कंस भक्ति भाव देखी संताप छाड़िला देवकी संतोष होई वसुदेव दिन कु दिन बड़ भाव हेमंते रजनी पाहिला कंस सभारे विजय कला असुर गण को बसाई कही विश्वास कराई शून्य चंडिका जहा भणी सब कहिला परिमाणी कंसर दक्षिण कातर असुरे बोलंती उत्तर हेमंत अछु जेबे जानी जहा कहिले नारायणी तोहर आज्ञा घेनि सिरे बुलिबु देश विदेश रे दिनक ठारु जेते बाल सबुरी पुराइबु काल जेते बालक वसुंधरी सकल पड़ा पकाई मुमारी तू किंपा डरु देव गणे सेवंती तोहर चरणे तो तुले के करु संग्राम देवे नुहंती सरी सम तोहर सुनी धनु घोषे पलांती संग्राम तोरा से जीवन पाई एते एड़ी रण देवे पसंती बने बण के पिंधी न पारंती बास भये पिटई कहा केश निसते न पलांती जेऊ न मारी तुता दया बहु जीवन पाई जार आस से तोते करिवे टिकिस तहु अधिक तीन देव ब्रह्मा शंकर पद्मनाभ आत्मार सुखे से रमंती से किंपा तोते बाद चिंती अगाध क्षीर सिंधु जले शयन अनंतर कोले पादे खटंती बेनी नारी सुखे शयन नर हरि से किंपा तोर तुले रण
मिछ कहिले देवगण ब्रह्मा जे थाई तार सुखे चिंता करई तिनी लोके तपहु न जानई आन चिंतई प्रभु भगवान कृष्ण हु न जानई किछि से किंपा तोते बाद इच्छि शंकर थाई भूत मेले अंबिका थाई तार कोले से किंपा समर करिव नित्य उदासी सदा शिव इंद्र तो बोले नोहे सरी तोते तो दिग बाले डरी और वैरी जेवे हरी से थाई सर्व घटे पुरी के ताकु पाए पाई वत्री लोके उनी कहिबा को कौत के देवता मानंकर मूल धर्म से धरिछि सयण देवे ताहार तहु जन्म वेदरु जन्ने नित्य कर्म गुरु ब्राह्मण यज्ञ दान तीर्थ दक्षिणा तपश्रम तप करती जेते लोके विष्णु को भजंती जे थोके श्रद्धा करती जेहु धर्मे दया बहंती दुखी जने करती पर उपकार जम लोक को जार डर यहांको देहे थाई हरि इमले मरई मुरारी यांभ उचित विचार इमंते शत्रु जीव मार ओरी बालक बालकांकु मारी नमले दिनु दिने डरी देहरे व्याधि जन्म काले हेला जे करे सुख बोले से जेने निरते बड़ई शत्रुर स्वभाव टी आज्ञा तु दियो बेगे करी हरिंकी पकाइबु मारी असुर बल बोल शुणी कंस आनंद मने गुणी अनेक कला प्रशंसा हित मणिला ब्रह्म हिंसा जन जन के साड़ी देला बैरी संहार बोला असुरे कला कविश्वास अमृत मणे काल विष कंस आदेश घेनी बेगे असुरे गले दस दिगे तत्क्षणे होई काम रूपी पसिले वन गिरी व्यापी ग्राम पाटना पुर देश अनेक शिशु कले नाश दानव बुद्धि मूढ़पण साधु को दियंती कषण कंस वैरी अच्छी काही नित्य खोजंती भाव ग्राही तामस बुद्धि आचरिले निकटे मरण चिंतिले आयुष जस बल धर्म लोक आशीष शुभ कर्म यदि सर्वनाश करे हिंसा करती जेहु परे सुजने सुन ही धरी कथा पिटिव भव बंध व्याथा कीटरु ब्रह्म लोक जाए हिंस्रंक हरिंकी न पाए से हरि दुखिंक सोदर हिंसा ना शिवे प्रभु मोर कृष्णर पादे देई चित्त कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे कंसद्योमनिरूपणम् नाम पञ्चमोऽध्यायः हरि ओम्। ओम भगवदुवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठति पंडित नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्री राम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परायणनि श्री राम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परायणनि श्री राम राम रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परायणनि श्री राम नाम परायणन ओम नमो इति हरि ओ। संधि पाठ करंदु अज्ञा आज ठीक आपण पढ़ी देबे कि मु से जो लिखी दिली तरा कोठी अछि। अच्छा अच्छा ठीक छ। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः
ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।